नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए ना कुकिंग की नहीं लेकिन किचन से ही रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, जो हम सबके लिए ना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा होता ना अक्सर कि हम लोग खाना बनाते हैं, गैस तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन उसका बर्नर भूल जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो हम देखेंगे इसे कि बहुत ही आसानी से हम इसे कैसे साफ़ कर सकते हैं बिना मेहनत के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक बाउल कटोरी जो भी हो आप ले लें, उसमें ना यहाँ पर ये व्हाइट वाली विनेगर है उसी हम डाल देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए जितना विनेगर डालेंगे उतना ही पानी भी हम डालेंगे इसमें। आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं सारा, लेकिन मैं यहाँ पे आधा विनेगर आधा पानी डाल रही हूँ। और इसमें ना ये बर्नर डाल देंगे, देख रहे कितना काला हो चुका है। और यहाँ मैं दो बर्नर को डाल रही हूँ, तो ये इसमें अभी डीप नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा विनेगर और डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो पानी की जगह सिर्फ विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी से भी ये काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर और पानी और डाल दे रही हूँ, और इसे रात भर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और देखिए सुबह में मैं दिखा रही हूँ ये ऐसे ही कितना साफ हो गया है। उसके बाद इस टाइप की ना स्टील वाली जाली लेकर हम इसे रगड़ लेंगे, जिससे साफ़ हो जाएगा, जिससे आप बर्तन धोते हो ना वही जाली। तो आप इसे किसी भी स्क्रबर से रगड़ेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल नई तरह से हो जाएगा, नया जैसा। देखिए मैं इसे रगड़ कर आपको दिखा रही हूँ, इसमें बहुत कम मेहनत में बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, गंदा होने के कारण ना इसका फ्लेम भी पीला टाइप का आने लगता है, जिससे हमारा बर्तन ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या होगा ना कि ये भी साफ़ हो जाएगा, फ्लेम देखिएगा बिल्कुल नीला हो जाएगा और बर्तन में हमारे काले नहीं लगेंगे। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। और अभी सुबह का टाइम है, मुझे भी खाना बनाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा रही हूँ। अगर टाइम होता तो मैं इसे और अच्छे से आपको साफ़ करके दिखाती, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बिना मेहनत का ये साफ़ हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देख रहे कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया, और दूसरा मैं भी दिखाती हूँ, देख रहे दोनों में कितना अंतर है। लेकिन इसे भी ऐसे ही रगड़ कर हम साफ कर लेंगे। तो देख रहे हैं ना आप कितनी आसानी से साफ हो रहा है। अब थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, रगड़ना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन बहुत रगड़ना भी नहीं है, बस हल्का सा हो जाता है साफ। और मैं इसे पानी से अब साफ करके आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं कितना अच्छा नया जैसा हो गया है। और दोनों को भी हम साफ करके आपको दिखा रहे हैं, आप लग रहा ना बिल्कुल नया की तरह। तो चलिए आप भी इसे एक बार साफ करके देख लीजिएगा विनेगर से, कितनी आसानी से हो जाएगा, आपका मेहनत भी बच जाएगा। और मैं एक बर्नर जो बचा था, तीन बर्नर का गैस है, दिखा रही हूँ उसे भी, देखिए कितना अंतर है इसमें, है ना। इसे मैंने आपको दिखाने के लिए ही रख छोड़ा था, इसे भी मैं अब साफ़ कर लूँगी। थैंक यू।